गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है 31 दिसंबर, मतलब साल का लास्ट डे। और इस साल मैं आखिरी बार व्लॉगिंग कर रही हूँ। ये मेरी साल की आखिरी व्लॉगिंग है हम लोगों की डेली व्लॉग की। सो, आज है सैटरडे और मैं अभी उठी हूँ और अभी हो रहे हैं 9। जस्ट मेड आई और वो काम करके गई है। फाइनली वो आ गई, वो कल नहीं आई थी। आई थिंक मेरी बेल में कुछ दिक्कत थी और वो कह रही थी आई थी दोपहर में, बोल रही थी मैं नहीं आई थी। तो वो सब वो काम करके चली गई है। मैंने अभी उठ के अपने हस्बैंड को दलिया पैक करके दिया है। ही लव्स दलिया एंड आई डोंट लव दलिया। उन्हें दलिया पैक करके दिया है और नीचे का काम, मतलब कि पूरा फ्लोरिंग हो गई है। बस मुझे ऊपर के सोफे वगैरह साफ़ करने। और मैंने अभी डिटॉक्स टी नहीं पर पी है, मेरे को बहुत ज़्यादा आलस सा आ रहा था तो मैंने अपने लिए अभी नॉर्मल टी बनाई है। अब मैं 2-3 घंटे में या शाम तक डिटॉक्स टी पीऊँगी। मैं डिटॉक्स टी रेगुलर पी रही हूँ और ये आई थिंक काम भी कर रही है मेरे ऊपर। अगर आपको मैं लग रहा है मुझे देख के कि मेरा वेट काफ़ी रिड्यूस हो रहा है तो बहुत जल्दी इसका रिव्यू आने वाला है, सो उसे मिस मत करिएगा। सो डिटॉक्स टी मैं शाम को पीऊँगी और अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने। और चाय पीने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं बाहर अभी और मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ और पीछे गाने चल रहे हैं। हम लोग बालकनी में अभी, मैं और बोलो बनी बनी। सो मेरे हस्बैंड आ गए हैं। हाय, हेलो, और हम लोग जा रहे हैं अभी थोड़ी शॉपिंग करने। सो नाउ वी आर गोइंग, वेयर वी आर गोइंग बिप्स, आई डोंट नो। तो हम लोग जा रहे हैं। अब सबसे पहले देखिए जो कर्ल्स हैं जो प्रॉपर आए थे वो अभी तक कुछ भी करके नहीं खुल रहे हैं। मैं सो गई, सब कर लिया मैंने 2 दिन बट खुल ही नहीं रहे। तो हम लोग अभी जा रहे हैं सामान लेने कुछ, क्योंकि हम लोग 1 तारीख को मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करेंगे। बहुत ही वियर्ड चीज़ है बट यस। और पार्टी हम लोग जा नहीं सकते हैं तो, और मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा एक सैंडविच खाने का मन कर रहा था, वो है सैलेड का सैंडविच जो वो बाहर खाना चाहते हैं। तो सैलेड रहेगा उसमें सिर्फ खीरा, क्यूकम्बर और टमाटो और अनियन। तो वो उन्हें पोटैटो पोटैटो जिंजर कुछ भी, मतलब हाँ जबरदस्ती जिंजर तो। और मुझे कुछ, हाँ मुझे जिंजर, थैंक यू, मुझे लाल हरी मिर्ची और अदरक और बहुत सारा सामान लेना है तो मैं वो लेने जा रही हूँ। मेरे को पता है आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम पे तैयार हो रहे होंगे जाने के लिए, काश मैं भी हो रही होती। इतनी अच्छी अच्छी यहाँ पे पार्टियों के ऑप्शंस मेरे पास थे, कम से कम 5-6 इतने अच्छे कपल्स के ऑप्शंस थे। सीरियसली क्या कर सकते हैं। सो यस, ये सब काम करने जा रहा है अभी सामान। आई थिंक मेरे को सामान भी लेना, मेरे को बहुत सारा काम है। और फिर हम लोग आज, मैं बहुत ही शॉर्ट ब्लॉग रहेगा ये, क्योंकि उसके बाद फिर मैं खाना बना के और हम लोग टीवी देखने बैठेंगे। मुझे तो मैं कर दूं, मैंने मेरे को शेविंग बनाने का बहुत शौक चढ़ा है। मैं कितनी बार तुमसे कहती हूँ कि मुझे शेविंग बनाने दो बट मुझे कोई शेविंग बनाने नहीं देता। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और जा ही रहे हैं और फिर देखते कि मुझे क्या क्या सामान चाहिए। फिर घर जाके आई थिंक मैं मटर पनीर सॉर्ट ऑफ कुछ बनाऊंगी। हाँ, मैं मटर पनीर बना रही हूँ। तो मटर पनीर की रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। और हाँ, ऐसा ही बनेगा हम लोगों का हैप्पी न्यू ईयर भी, पर ऐसा भी बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। आपके जो भी लव वंस हैं वो आपके पास में रहने चाहिए ऐसे ओकेजन, आपके जो लव वंस हैं वो आपके पास में रहने चाहिए ऐसे टाइम पे। उससे अच्छा न्यू ईयर कुछ नहीं हो सकता है। सो फैमिली टाइम है ये न्यू ईयर मेरे लिए एंड आई एम सो हैप्पी। मैं आपको मिलती थोड़ी देर में। तो वी आर ड्रिंकिंग ग्रीन टी और ये है ऑर्गेनिक इंडिया की ग्रीन टी तुलसी। सो हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं, होपफुली अच्छी लगी तो हम इसे ले लेंगे। ये है तुलसी ग्रीन टी और इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा है, मतलब उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। लेट अस ट्राई।
और मेरे हस्बैंड ने लिए जिंजर टी, उन्हें बकायदा ग्रीन टी लेनी थी विद शुगर, ये विदाउट शुगर है। सो अब मैं हेल्दी बन रही हूँ। देखिए मैं नॉर्मल चाय ना पी के अभी ये वाली चाय पी रही रुको उसे फिर फेंको। उन्हें जिंजर टी पसंद नहीं है तो ग्रीन टी लेनी थी ना, ग्रीन टी ले ले। तुम्हें ग्रीन टी पसंद भी है? हाँ यार ग्रीन टी ले आ रहा है। सो वो जिंजर टी ले आया है जो कि उन्हें नहीं पसंद है। मतलब जिंजर टी सिर्फ वाटर में थी तो हो सकता है उन्हें अच्छी ना लगी, इसलिए मैंने ग्रीन टी ली थी। तो मुझे ग्रीन टी ट्राई करनी थी और अलग, और इसमें भी स्लिमिंग इफेक्ट है और वेट लॉस वगैरह के बारे में है, बहुत सारी चीज़ें थी उनके पास बुकलेट में। सो मैं ट्राई करती हूँ और फिर हम इसका पैकेट खरीदते हैं। और डिटॉक्स टी आपको पता है देखिए कितना अच्छा काम कर रही है। मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि मेरे को अपने आप से पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा मैंने वेट लॉस किया है। अगर आप लोग भी देख रहे होंगे ग्रीन टी, हम लोग लिप्टन की पीते हैं और अभी तो मेरे पास दूसरी कंपनी की आई, वो डिटॉक्स टी है, वो लिप्टन, हाँ डिटॉक्स टी है वो। सो हाँ मैं लिप्टन की ग्रीन टी पीती हूँ और डिटॉक्स टी अभी जो आई है वो पी रही हूँ। तो अभी मैं ग्रीन टी नहीं डिटॉक्स टी पी रही हूँ। तो आपको जैसे दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ गया मेरे हाथ पर, देखिए डिटॉक्स की बहुत अच्छा काम कर रही है, जबकि मैं कोई डाइट फॉलो नहीं कर रही हूँ पर उसके हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है। सो यस, और आपका चेहरा क्लियर करती है डिटॉक्स टी, जो कि मुझे दिख भी रहा है। सो मैं आपसे मिलती थोड़ी देर में। वेरी हॉट गिर जाएगी यार। यम, अच्छी है। मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। और मैं कल ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि कुछ फ्रेंड्स आ गए थे इनके जो कि बहुत कंफर्टेबल नहीं थे ब्लॉगिंग में, और वो भी वैसे वैसे बात करने ऐसे थोड़ी देर के लिए मिलने आए थे। सो इसलिए मैं कल ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पाई और मैं कल का ब्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि कल फिर ऐसा मैं कुछ कर भी नहीं पाई। सो आज है 1 जनवरी, सबसे पहले हैप्पी 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 अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। आपके लिए साल बहुत बहुत अच्छा हो और जो भी आपकी विशेज है वो सब पूरी हो। तो मेरी तरफ से आपको बहुत 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 हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइस, आज हमें बोजो को नहलाना है तो हम अभी बोजो को नहलाएंगे। उससे पहले मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, ब्रेड टोस्ट कर रही हूँ, और उसके बाद मेरे हस्बैंड जाएंगे कहीं कहीं। तो चलिए मैं आपसे मिलती थोड़ी सी देर में। बोजो नहाया है, बोजो को नहा के हम लोगों ने उसे अभी हीटर में और विथ हेयर ड्रायर सब कुछ करके सुखा दिया है। और अभी मेरे हस्बैंड गए हैं शेविंग बनवाने और अपने हेयर कट लेने। और आज है 1 जनवरी और आज हम लोग कहीं घूमने नहीं गए क्योंकि आई थिंक मैंने आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग 1 तारीख को गए थे और इतनी भीड़ थी वहाँ पे कोई मतलब नहीं निकला। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पैम्परिंग करेंगे। लाइक आज मैं फेशियल करूँगी और जो भी पैम्परिंग में इंक्लूड होता है वो। सबसे पहले हम लोग हॉट शावर बाथ लेने वाले हैं। सो मैंने क्या बोलते हैं बोजो को नहलाया है, अब मैं खुद नहा के आई हूँ, अब मेरे हस्बैंड नहाने जाएंगे पर वो आ जाएँ पहले। और कल मैं मटर पनीर नहीं बना पाई थी, एज़ यू ऑल नो हम लोग के यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स आ गए थे इनके, तो सब्ज़ी मैंने बनाई ली और फिर हम लोगों ने एज सच थोड़ा बहुत ही खाना, कुछ थोड़ा बहुत ऐसे जंक फूड वगैरह खाया। और अब मैं मटर पनीर बनाऊँगी तो मेरे हस्बैंड अभी पनीर भी लेने गए हैं। सो यस, तो अभी मेरे को थोड़ा घर भी साफ़ करना है, घर पूरा मतलब। और कल 2 तारीख है, बाई नहीं आएगी, उसे कहीं जाना है तो कल बाई भी नहीं आएगी और घर थोड़ा ज़्यादा मैसी हो गया। और जिस दिन बोजो नहाता है उस दिन घर बहुत मैसी हो जाता है। बोजो एक्चुअली में हर जगह जा जा के अपने आप को घिसता है और सब कुछ, तो उससे पहले मैं बेडशीट वगैरह सब कुछ हटा देती हूँ कि वो कहीं पे चढ़े, मैं सब कुछ और क्या बोलते हैं उसे एक रूम में बंद कर देती हूँ कि जब तक वो सूख ना जाए तब तक वो एक ही रूम में रहे क्योंकि वो पूरा घर मैस अप कर देता है। सो यस, मेरे को भी ऑयलिंग करनी है क्योंकि अब मुझे अपने बाल थोड़े स्ट्रेट करने हैं, मैं बहुत फेड अप हो गई उसके बालों से। सो यस, और अभी कुछ होता है तो मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ मटर पनीर बनाने, उसके बाद मुझे शावर लेना है। मैंने ऑयलिंग करी है बालों में तो मुझे जाके शावर लेना है, और मैं पहले जा रही हूँ मटर पनीर बनाने, उसके बाद जाऊँगी मैं नहाने। तो चलिए मैं आपको रेसिपी दिखाती हूँ। मैंने तेल गरम किया है और मैं ना कच्चा पनीर नहीं खाती हूँ। सबसे पहले मैंने तेल गरम किया और मैं कच्चा पनीर नहीं खाती हूँ, तो मैं पहले पनीर को फ्राई करूँगी। मैं पूरा पनीर डाल दूँ।
पनीर फ्राई हो रहा है तब तक मैं अपना मसाला पीस रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इतना पनीर गरम इतना पनीर फ्राई करती हूँ, ये ज़्यादा फ्राई भी नहीं है और कच्चा भी नहीं है, बिकॉज आई लव फ्राई पनीर, कच्चा पनीर आई कैन नॉट ईट। सो ये है पनीर, लेट्स मेक द करी नाउ। कुकर लिया है, कुकर में मैंने जीरा डाला है और ऑयल है इसमें, गाना बज रहा है पीछे क्योंकि मेरे हस्बैंड टीवी देख रहे हैं भोजों के साथ। सो ये जीरा फ्राई हो रहा है, उसके बाद मैं इसमें प्याज, जो मैंने प्याज को ग्राइंड किया है वो मैं इसमें डालूंगी। आई एम जस्ट आउट ऑफ माई वर्ड राइट नाउ। प्याज भुन रही है, स्टीम आ रही है बहुत, तो प्याज को भुनने देते हैं, उसके बाद मैं इसमें टमाटर की प्योरी डालूंगी। इंस्टेंट सब्जी है, इंस्टेंट मटर पनीर, इससे वो आपको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, अगर आपके घर में सडन मेहमान आ जाते हैं तो उसके हिसाब से ये बहुत अच्छी सब्ज़ी है, तो आप जल्दी से जल्द बना सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर की प्योरी। तो मैंने आटा भी गूंद दिया है, अब जब मेरे हस्बैंड को खाना खाना होगा या मुझे खाना होगा तो मैं फटाक से पूरी सेकूंगी। और लेट्स सी सब्जी का क्या हाल है। मैं डालूंगी मेथी, लाल मिर्ची और मसाले मिलाऊंगी। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी कुछ एक शाही पनीर मसाला है मेरे पास और एक है गरम मसाला, तो बनने पर डालूंगी। अब मैं इसमें मटर मिला रही हूँ लाके, अब मैं इसमें डालूंगी कुछ मटर, मतलब मटर कुछ भी आपको खानी है, मुझे मटर बहुत पसंद है। अब मैं इसे मिलाऊंगी विद वन हैंड, इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट, वेट फॉर अ मिनट। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है, 5 मिनट मैंने मटर को मसाले के साथ फ्राई किया, इसमें पानी डाल दिया। अब मैं इसमें 3 से 4 सीटी लगाऊंगी और ये हो जाएगा तैयार। और पनीर मैंने रखा हुआ है फ्राई करके, वो मैं इसके बाद डालूंगी जब इसकी सीटी वीटी सब निकल जाएगी उसके बाद। अब हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। आपको अच्छे से खाना नहीं दिखा पाई। एक्चुअली में क्या हुआ था, बोजो की एकदम से तबीयत ख़राब हुई, उसने वॉमिटिंग करी और सब सडनली इसकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। हमें लगा कि हमें बहुत उल्टी कर रहा था और उसके बाद वो एकदम से गिर भी गया। आई थिंक उसे ठंड लग गई थी। आई थिंक ये नहलाने का सिस्टम, मतलब नहलाने का वो सही नहीं था ना टाइम। हाँ तो शायद उसे ठंड लग गई थी, पर अब वो सही है और एकदम फाइन है, उसने खाना भी खा लिया है। तो उस टाइम थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं उसे बीच में लग गई वहाँ पे देखने के लिए। फिर हम लोगों ने भी खाना खाया और अब मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी। ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं था, कल से प्रॉपर ब्लॉगिंग शुरू होगी, मतलब कल से 2 तारीख से प्रॉपर ब्लॉगिंग शुरू होगी। हैप्पी न्यू ईयर। सो हम लोग आप लोगों को विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर और ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ लेके आए और सब लेके आए। आई थिंक पानी आ गया है। सो ये है मेरे हस्बैंड जो आपको विश कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। ओह माय गॉड, वो नहीं तुम नहीं करोगी विश? तुम भी कर दो थोड़ा सा विश, चलो। ही इज नॉट इंटरेस्टेड अभी। और क्या, और यही कि जस्ट उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने लिप बाम लगाया और जब उसकी तबीयत ख़राब हुई तो मुझे अपने बाल साफ़ करने जाना था, धोने जाना था तेल लगाने के बाद, और मैं नहीं जा पाई। आज सब कुछ हुआ बट मेरे बाल नहीं धुल पाए। सो यस पेप्स, मैंने आपके साथ एक बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करी थी जो कि है एकदम इंस्टेंट मटर पनीर, और उसे प्लीज़ ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। और अब मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेसिपी इस साल शेयर करूँगी, कुछ नई नई चीज़ें, मेरे कैमरे में बोजू का बाल है, कुछ नई नई चीज़ें जो कि मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बोनी कम ऑन, बोनी आओ, बोनी हैप्पी एंडिंग प्लीज़ यार इतने मत करो, मेरे बाल में तेल लगा था तुम्हें। क्यों तेल क्यों लगाऊंगी मैं? सो यस,
मेरे हस्बैंड को नींद नहीं हम लोग हाँ और आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ नहीं दी मैंने आपको, हम लोग आज कितने बजे उठे हैं? 4:30 बजे आज हम लोग 4:30 बजे उठे हैं और हम लोग को नींद नहीं आ रही। और अभी कितना टाइम हो रहा है? अबाउट 3:00 और अभी 3 बज रहे हैं सुबह के और हमें नींद नहीं आ रही अभी तक। और हमें नींद नहीं आ रही और कहीं आँख में नींद दिख रही है? नहीं। तुम्हारी आँख में दिख रही है? नो, कोई नींद नहीं दिख रही है। और मैं कल 3:30 बजे क्या बोली थी कि मुझे क्या खाना है? देखो कैसे पति हैं बताओ। 3:30 बजे उठ के बोलती हैं कि मेरे को कहीं बाहर ले चलो कुछ खिला दो। हाँ मेरे को कल 3:30 बजे मैंने बोला कि मुझे कहीं बाहर जाना है, मैंने बोला पिज्ज़ा खाना है मुझे। पिज़्ज़ा खाना था यार? हाँ, मैं नींद में था। हाँ मेरे को पिज़्ज़ा खाना था और मुझे कोई पिज़्ज़ा रात को नहीं मिला और सुबह मुझे मन भी नहीं हुआ। ऐसे नॉर्मली पिज़्ज़ा खाने मिल नहीं रहा है? नॉर्मली मैं पिज़्ज़ा खाती हूँ। नो, मैं जंक फूड नहीं खाती हूँ नॉर्मली भी, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट मुझे भी तो नहीं मिल रहा है फिलहाल। तुम तो हाँ, ये और ये हम लोगों में ऑपोजिट है। मैं खिचड़ी के साथ खुश हूँ और ये बिना जंक के साथ खुश नहीं रह सकते, बट अभी ये रह रहे हैं खुश। क्या करें, मजबूरी। अभी कितने 3 बजे हैं और हो सकता है मैं 4 बजे तक डिमांड करूँ कि मुझे पास्ता खाना है। और हाँ कल इन्हें मुझे पिज़्ज़ा नहीं खिलाया तो मैंने क्या किया था, रात में एक नमकीन का पैकेट लिया और रजाई में रखा उसे और रात भर मैं खाती रही, मैंने पूरा नमकीन का पैकेट ख़त्म कर दिया। और सुबह इनको वो नमकीन खानी थी और उन्हें बोला नमकीन कहाँ है और मैंने वो पूरी नमकीन का पैकेट रात में खोल के खा लिया था। बताया कौन सी नमकीन थी? लहसुन वाली। लहसुनिया बहुत ही टेस्टी थी वो और मैं पूरी खा गई उसे रात में सोते और वो भी रजाई में रख के पूरे। तुम्हें पन्नी वन्नी की आवाज़ नहीं आई? हेयर कट कैसे यार, प्लीज़ ना बोलो। पन्नी वन्नी की आवाज़ नहीं आई तुम्हें? नहीं यार, तुम्हें नींद में था बहुत तेज, बहुत गहरी निद्रा में था मैं। दैट्स व्हाई। सो अब हम लोग तो बहुत पका रहे हैं ऐसा लग रहा है। चलो ये बोझो को घुमा के आए। हम लोग जा रहे हैं बोझो को घुमाने 3 बजे रात में। हम लेट ही जाते हैं उसको घुमाने रात छत पे। इतने बजे भी नहीं जाते हैं। अब हम लोग अलग अलग भूतों को देखने जा रहे हैं। सो मैं बोलती हूँ आपको बाय, हैप्पी न्यू ईयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, और प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन ऑल माय सोशल मीडिया लिंक्स विच आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स What do you mean? Description. Follow me. Or follow me on all my social media links which are in the description box. Same properly. Please follow. follow me on all my social media links which are in the description box. Yes. And तब तक के लिए मैं आपको बोलती हूँ bye. इस चेहरे पे एक फोटो आएगी, प्लीज़ उस पर जाके सब्सक्राइब करें। और मेरी लेटेस्ट वीडियो के लिए यहाँ 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 क्लिक करिएगा। ओके बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। रात के 4 बज गए। बाय, 4 बज गए रात के। नॉट 3 बज गए। 3 बज गए। बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।